Hello friends, I am your host Suman. Welcome to Saral Math class. In this lecture, we are going to learn about matrix. Matrix ro plural hochi matrices. Matrix ro mathematical definition janiba purpuru taku ame simple language re bujhi. Mone koro ame kichi number nele 1 2 3 4 5 and 6. छोटी नंबर नेले ताकु आमे रेक्टेंगुलर शेप रे अरेंज करिबा. रेक्टेंगल कोण एटा कह जाउछ रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल एटा हे पारे एटा हे पारे एटा रेट सब रेक्टेंगुलर. ए रेक्टेंगुलर शेप रे आमे ताको अरेंज करिबा किपरि ना 1 2 3 4 5 6 ए टाइप रे हे पारे 1 2 3 4 5 6 ए टाइप रे हे पारे 1 2 3 4 5 6 ए टाइप रे मध्ये हे परे 1 2 3 4 5 6 ए टाइप रे मध्ये हे परे ए परे आमे नंबर्स मानन को रेक्टेंगुलर शेप रे अरेंज करले. रेक्टेंगुलर शेप रे अरेंज करिकी तार बोथ साइड रे आमे ब्रैकेट दबा. को टाइप रे ब्रैकेट दिया हो ना स्क्वायर ब्रैकेट और मून ब्रैकेट ए टाइप रे ब्रैकेट दे दबा और मून ब्रैकेट मध्ये दे परिबा. एटा को ही कह जाउ छ हमरा मैट्रिक्स. ये गोटे गोटे मैट्रिक्स रो एग्जांपल. जदि नंबर्स गुडी को हमदे वर्टिकली निया जाए एटा को कह जाउ छ गोटे कॉलम आ एटा को कह जाउ छ हमरो रो. ये रो रे अछंती ए माने कॉलम रे अछंती नंबर्स गुडी गोटे सिंगल कॉलम अछि. रो केतरा रहइबो रो 6 टा रहइबो. ये गोटे रो 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 6 नंबर ऑफ रोज गुटी कॉलम. ए केस रे कोन ना एठी 6 नंबर ऑफ कॉलम्स अछि सिंगल रो अछि. एठी कोन ना एठी दीटा कॉलम अछि 3 नंबर्स ऑफ रोज अछि. ताहले हमरो जोडे वर्टिकल लाइन थिबो सेटा होछि कोन ना कॉलम. हॉरिजॉन्टल लाइन टाकु आमे कहउछंती रो. एठी डेफिनेशन देखिना बा कोन ना सेट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर आरे. अच्छा एठी जो वर्ड यूज है एलिमेंट्स. ए एलिमेंट्स मानु को हम अरेंज करछंती. अच्छा हमर एलिमेंट्स गुडा को कोन हे पारे. एलिमेंट्स कैन बी नंबर्स. नंबर्स हे पारे सिंबल्स फंक्शंस. इठारे देखो गोटे एग्जांपल नछि गोटे जनरल एग्जांपल दिहाई छि. ए माने होछंती सब एलिमेंट्स. एलिमेंट्स माने अरेंज होती गोटे रेक्टेंगुलर शेप रो गोटे अरेंजमेंट अच्छी. तो एगुड़ा हूँ गोटे गोटे रो देन एगुड़ा हूँ तुम्हारो कॉलम्स. रो आर वन एटा फर्स्ट रो आर टू सेकेंड रो अप टू एम एथ रो. देन एटा तुम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड सोन एन एथ कॉलम. ए मैट्रिक्स को आमे गोटे कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करती. कैपिटल अल्फाबेट्स एनी ए हे परे बी हे परे सी हे परे ए टाइप रा कैपिटल्स अल्फाबेट द्वारा हमें मैट्रिक्स को डिनोट करिबा. एटा का मैट्रिक्स ए. देन देखिबा एते जो एलिमेंट्स अछि एटा कोन पर ए टाइप रा लिखाई छि. ए 11 ए 12 ए 1n ए टाइप रा लिखाई छि ना. अच्छा एते जो लिखाई छि ए 11 एटा गोटे जनरल लिखि छथि हमें. तो ए 11 माने कौन ना ये जो एटी जो यूज है 11 सबस्क्रिप्ट जो लिखा है 11 ता मीनिंग कौन ना एठी से कहो जी ए एलिमेंट ता फर्स्ट फर्स्ट जो नंबर दीटा एठी नंबर लिखे 11 12 दीटा नंबर लिखा है 21 22 ए टाइप रे लिखा है. या मीनिंग हो जी ये ए जो दिनसोटा इंडिकेट करु जी ये को पोजीशन ने अछि. ए एलिमेंट ता ए अरेंजमेंट रो को पोजीशन रे अछि. ये तुम्हारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम रे अछि. सिमिलरली ए 12 ये कौन कहो छी ने ये कहो छी ए एलिमेंट ता तुम्हारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रे अछि. सिमिलरली एटा ए 1n मींस कौन ना ए एलिमेंट ता फर्स्ट रो रे अछि nth कॉलम रे अछि. ए 21 मींस ए एटा को नंबर ऑफ रो देखो एटा फर्स्ट रो एटा सेकंड रो एटा सेकंड रो रो एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम रो एलिमेंट. एटा होची ए एलिमेंट रो पोजीशन को देखो होची.
एटे टोटल केतेटा रो अच्छे केतेटा कलम अच्छे टोटल देख एम नंबर ऑफ रोज अच्छी एन नंबर ऑफ कलम अच्छी तो एठी आमे लेखि परबा एटा गोटे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एटे जो एम क्रॉस एन एम होची नंबर ऑफ रोज एन होची नंबर ऑफ कलम्स तो ए एम क्रॉस एन को हा जाए मैट्रिक्स रो ऑर्डर एठी ए मैट्रिक्स रो ऑर्डर केते ना एम क्रॉस एन एठी जनरली रिप्रेजेंटेशन देखो केमिति ना ए इक्वल टू ए आई जे हूँ जनरल एलिमेंट आई जे हूँ तार पोजिशन इजे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ये आई हूँ फास्ट रो लिखा जीवो देन तुम्हारो कॉलम लिखा जीवो एठी मध्य सेम फास्ट रहिबो नंबर ऑफ रो नेक्स्ट रहिबो नंबर ऑफ कॉलम्स तमें जिते बड़े कौन से मैट्रिक्स ऑर्डर लिखा ऑलवेज फास्ट आम तार नंबर ऑफ रोज लिखा नेक्स्ट तार नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा एम क्रॉस एन फास्ट आम नंबर ऑफ रो नेक्स्ट रहा नंबर ऑफ कॉलम्स गोटे एग्जांपल लिखा ये गोटे एग्जांपल नवा अच्छे गोटे मैट्रिक्स ए यार एलिमेंट अच्छे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए मैट्रिक्स रे फास्ट देखिबा कौन रो केतटा अछंती कॉलम केतटा अछि रो होची ए गुडा को रो ए गोटे रो ए गोटे रो केतटा रो दुटा रो अछि तो फास्ट लिखा हबो रो नंबर नेक्स्ट होची कॉलम नंबर तो लिखले 2 इनटू नेक्स्ट देखिबा कॉलम केतटा तमर अछि कॉलम केतटा अछि ना गोटे ए गोटे कॉलम ए गोटे कॉलम ये गोटे कलम 3 नंबर ऑफ कलम अच्छी सो लिखे 2×3 एटा गोटे 2×3 रो मैट्रिक्स ये जो एलिमेंट 1 ये 1 टा को पोजिशन अच्छे ए 1 मन जगह मानने फास्ट रो रे फास्ट कलम रे 2 हूँ फास्ट रो रे सेकेंड कलम रे 3 हूँ फास्ट रो रे थर्ड कलम रे एबे बुझेला मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स को आम एम हाफ मून भी दे परंती और स्क्वायर ब्रैकेट मध्य यूज कर परिबा नेक्स्ट आम मैट्रिक्स रो टाइप्स विषय पढ़ा केते टाइप्स रो मैट्रिक्स अच्छे फास्ट हो जाए पढ़ा कौन ना रो मैट्रिक्स आम क्या कह जो मैट्रिक्स रो केवल गोटे मात्र रो रे एलिमेंट्स थे गोटे मात्र रो थी से कह रो मैट्रिक्स एग्जांपल देख कौन 1, 2, 3, 4 एटा गोटे मैट्रिक्स ये गोटे मैट्रिक्स एम सब कौन ना रो मैट्रिक्स कहीं कलम तो अधिका अच्छे कलम तो मोर देन 1 ही अच्छे ये कतटा कलम 4 कलम्स अच्छे किंतु रो केते रो होची 1 जो मैट्रिक्स से 1 रो थिबो से मैट्रिक्स टा को कहा जाउची रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर अच्छा ए मैट्रिक्स रो ऑर्डर केते एटे केते ऑर्डर फास्ट कोन रो देन वेक्टर सॉरी फास्ट रो देन कॉलम सो इट आसबो 1 इनटू केते कॉलम्स 4 1 क्रॉस 4 रो मैट्रिक्स ता बटा केते 1 क्रॉस 3 रो मैट्रिक्स एटा कहउछ रो मैट्रिक्स त केवल गोटे ही रो थिबो नेक्स्ट देखो आ गोटे मैट्रिक्स रो एग्जाम कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कौन जेपर थिला रो मैट्रिक्स रे गोटे मात्र रो थाए सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स रे गोटे ही कॉलम थिबो से मैट्रिक्स को आमे कहिबा कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल तर कौन हे पारे 1 2 3 4 जदी मैट्रिक्स ते ए टाइप रो हैला सेटा कौन हे जीवो कॉलम मैट्रिक्स और त कहिबा कॉलम वेक्टर मीन्स ए मैट्रिक्स रे गोटे ही कॉलम अच्छे 4 नंबर ऑफ रोज अच्छे तो यहाँ लिखा 4×1 रो मैट्रिक्सटा ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होची 4×1 तमें ये गोटे ही कॉलम थी एटा कहला कॉलम मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन हुईज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल जो मैट्रिक्स जितकीटा रो अच्छे से कॉलम नंबर थी से मैट्रिक्सटा को आम कह स्क्वायर मैट्रिक्स गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल देखा कौन ना ये गोटे मैट्रिक्स ए अच्छी जार एलिमेंट 1, 2, 3, 4 ये
आमर रो नंबर कलम नंबर इक्वल अच्छी केतटा रो ये टू रोज अच्छी दुईटा कलम अच्छे यहाँ गोटे टू क्रस टू मैट्रिक्स तो ए टाइप मैट्रिक्स जो थे कलम नंबर रो नंबर इक्वल आसे से मैट्रिक्स को आम कहे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आम जो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ले जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो एलिमेंट्र रो नंबर आ कलम नंबर टा इक्वल थी रो नंबर कलम नंबर इक्वल थी कहार जमीक ए वन वन फास्ट रो फास्ट कलम ए टू टू सेकेंड रो सेकेंड कलम दुईटा नंबर जो इक्वल थी आई इक्वल टू जे थी से कह आई इक्वल टू जे थी से एलिमेंट को से गुड़ाक हूँ कौन ना डायगोनल एलिमेंट्स दे आर द डायगोनल एलिमेंट्स द लाइन अलोंग व्हिच द लाइज इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल लाइन जो लाइन से माने रहिले सेटा को कहा जाउछ प्रिंसिपल डायगोनल लाइन जोटा कि हूँ यहाँ दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। एक्स्ट्रा आम जाना ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स आमर सुपर डायगोनल किए एंड सब डायगोनल किए आम फास्ट पढ़ले कौन प्रिंसिपल डायगोनल विषय में अच्छा हाँ प्रिंसिपल डायगोनल और कहा जाए मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। नेक्स्ट सुपर डायगोनल सुपर डायगोनल कौन ना ठीक प्रिंसिपल डायगोनल लाइन रूपर एटा प्रिंसिपल डायगोनल लाइन तार ऊपर जो डायगोनलटा जीव एटा होची हमरो सुपर डायगोनल से सुपर डायगोनल लाइन रे केतेटा एलिमेंट्स आसे ना एन माइनस वन एथेरे आम केतेटा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आसुची या ऊपरटारे आसीबो एन माइनस वन सिमिलरली सब डायगोनल कौन ना ठीक प्रिंसिपल डायगोनल लाइन रो तल लाइनटा मीन्स दिस इज एटा होची तुम्हारा सब डायगोनल लाइन आ सेथिरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स केते ना सेथिरे मध्य एन माइनस वन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन रो एलिमेंट्स थारो गोटे ही कम आसीबो गोटे एग्जांपल देखिबा मन कर अच्छे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन एटा गोटे अच्छे स्क्वायर मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री रो स्क्वायर मैट्रिक्स यार जदि पचार सुपर डायगोनल एलिमेंट्स किए सुपर डायगोनल दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल लाइन वन फाइव नाइन एटा होते प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यार सुपर डायगोनल लाइन किए ना टू सिक्स एटा होते सुपर डायगोनल सब डायगोनल किए रहे फोर एट। नेक्स्ट देखा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल कौन ना प्रिंसिपल डायगोनल हूँ ये तुम प्रिंसिपल डायगोनल मैंने लेफ्ट रूपर राइट रोल को जाइए से प्रिंसिपल डायगोनल नॉन प्रिंसिपल हूँ जस्ट अपोजिटा यहाँ राइट रूपर लेफ्ट आड़क जीव एटा हूँ तुम नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन से कौन कहे ना अलोंग नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन सम ऑफ रोज एंड कॉलम नंबर ऑफ ईच एलिमेंट जो एलिमेंट अच्छा सब एलिमेंट रो जो आमर कॉलम नंबर रो नंबर जमती कि ए वन एन ए जो एलिमेंट रो कॉलम नंबर आ रो नंबर रो सम माने एडिशन टा होचि केते ना एन प्लस वन एटे देख ए वन एन तो तार के वन प्लस एन एटा ए एन वन सेटा मध्य आसो वन प्लस एन या मझे जहाँ भी एलिमेंट रहे समस्त आमर रो नंबर आउ कलम नंबर जब आड करवा आसो के ना एन प्लस एन ए सरी एन प्लस वन दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू एन प्रिंसिपल डायगोनल ने मध्य एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थी एपट एपट को मध्य एन नंबर ऑफ एलिमेंट थी एपट एपट को मध्य एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहिबो। नेक्स्ट टाइप देखो डायगोनल मैट्रिक्स सी कहूँ गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स रे डायगोनल एलिमेंट को छाड़देले लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल एलिमेंट को छाड़देले बाकी सब एलिमेंट गुड़ाक जीरो मैट्रिक्स टाक आम कह डायगोनल मैट्रिक्स से कह स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर होची एन क्रॉस एन आज स्क्वायर मैट्रिक्स ना तर ऑर्डर कौन है रो जी कलम से एन क्रॉस एन इज कॉल्ड डायगोनल केतेबेले जितेबेले तर लीडिंग एलिमेंट्स ए लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छाड़देले बाकी सब अदर एलिमेंट्स जीरो होइथिबो से एलिमेंट से मैट्रिक्स टाकू कहिबा आमे डायगोनल मैट्रिक्स तर आउ गोटे टाइप रो आमे कौन लिखि परिबा ताकू ना ए इक्वल टू डायगोनल ऑफ वन टू थ्री जहाँ एलिमेंट थी जहाँ जहाँ एलिमेंट डायगोनल थी लीडिंग डायगोनल से एलिमेंट को लिखिदेव यहाँ हूँ आउ गोटे टाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट टाइप हूँ स्कालार मैट्रिक्स। स्कालार मैट्रिक्स हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स जो थे कौन कंडीशन अच्छी। फास्ट कंडीशन कहूँ कि जिते बड़े ए आई सेटा तुम एलिमेंट्स टाको जीरो हम को केते बड़े ना जिते बड़े तरह रो नंबर और कॉलम नंबर टा अनइक्वल जिते बड़े जीरो हम एंड इक्वल बेले से गोटे कांस्टेंट नंबर हम मीन्स कौन मैंने गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स रो डायगोनल एलिमेंट गुड़ाक इक्वल रे जहाँ भी नंबर रहा सब जगह सेम नंबर ही रोक आउ डायगोनल एलिमेंट को छाड़दे अदर एलिमेंट्स जीरो होता दरकार। एटा गोटे एग्जांपल टू क्रॉस टू रो एठी गोटे एग्जांपल देखो एटा मध्ये गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री यार लीडिंग डायगोनल के एटा एथि देखो सब प्लेस रे सेम नंबर अछि वन माइनस टू आई गोटे कम्प्लेक्स मैट्रिक्स सब सेम नंबर अच्छी आउ से नंबर को से डायगोनल एलिमेंट को छाड़ दिले अदर नंबर्स गुड़िक कौन हो अदर पोजिशन एलिमेंट्स गुड़िक जीरो होता दरकार। आउ आम कौन बुझीपर देख डायगोनल मैट्रिक्स आउ स्कालर मैट्रिक्स भितर कौन सिमिलारिटीज देख मैंने स्कालर मैट्रिक्सटे कौन कौटे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ थी स्कालर मैट्रिक्स से मैंने डायगोनल एलिमेंट्स छाड़ी अदर एलिमेंट जीरो डायगोनल एलिमेंट छाड़ी अदर एलिमेंट जीरो सिमिलारिटी कौन सी कौन कह मैंने आउ डिफरेंसटे कौन अच्छी ना डायगोनल एलिमेंट एटे जहाँ भी हो पारे कि डायगोनल एलिमेंट रे सब बेले सेम नंबर आसो डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल से टाइप मैट्रिक्स को आम कह स्कालर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कहुए यूनिट मैट्रिक्स क्या कह स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स केते बेले हबो ना इफ ए आई इज इक्वल टू जीरो जिते बड़े आई नॉट इक्वल टू जे मीन्स यार कॉलम नंबर आ रो नंबर जो अनइक्वल थी से जीरो हम इक्वल बेले वन हम मीन्स ये ठीक पूर्वटा कौन पड़ते ना स्कालर मैट्रिक्स केस कौन पड़ते ना अदर एलिमेंट गुड़ा जीरो हम कि डायगोनल एलिमेंट गुड़ाक कौन हम ना कन्स्टाट हम ना ये कहूँ अदर एलिमेंट जीरो हम डायगोनल एलिमेंट कन्स्टाट हम कौटा से केवल वन होन को छाड़ी अदर किसी तो ये गोटे एक्जामपल देखा वन हो सरी ए रे अच्छी वन जीरो जीरो वाने टू क्रस टू मैट्रिक्स गोटे थ्री क्रस थ्री गोटे फोर क्रस फोर मैट्रिक्स अच्छी ये कौन अच्छी ना डायगोनल एलिमेंट एटा सब डायगोनल एलिमेंट ये भी डायगोनल एलिमेंट ये मध्य लीडिंग डायगोनल एलिमेंट तो लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल एलिमेंट को छाड़देले बाकी सब एलिमेंट जीरो होता आ जो लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल कौन थी दरकार जो एलिमेंट्स थे से ओनली वन ही वन ही रो से कहुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आम क्या कह गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ कि कौन ना आमर देख यू मैट्रिक्स थी मैट्रिक्स रे डायगोनल हो जाएगा डायगोनल मेन डायगोनल एटा मेन डायगोनल एलिमेंट्स तार तौक जो एलिमेंट्स आसवे से माने जीरो रे ऊपर सब एलिमेंट्स आसवे से मैट्रिक्स टाक आम कह अपर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर कहीं देख ट्रायंगुलर सेफ रे ही एलिमेंट्स अच्छा इटे तुम एमती लाइन ड्र कर देखते ट्रायंगुलर सेफ हो सो यहाँ कह ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर कौन ना तलपटे गोटे ट्रायंगल क्रिएट कर मेन डायगोनल रो ऊपर एलिमेंट सब जीरो थी एटा हूँ आमर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एटा हूँ अपर ट्रायंगुलर एटा हूँ लोअर ट्रायंगुलर। देन नोट गोटे कौन अच्छी ना ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर इफ एंड ओनली इफ जिते बड़े तर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ए आई आई इक्वल टू जीरो इक्वाल के आसो डायगोनल एलिमेंट गुटा इक्वाल आसो तो पोजिशन तुम कलम आउ रो इक्वाल के डायगोनल एलिमेंट रो इक्वाल टू जीरो आसो सी कहते डायगोनल एलिमेंट जिते बड़े जीरो हो देख यहाँ गोटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर यहाँ हूँ तुम डायगोनल डायगोनल एलिमेंट गुटाक जीरो अच्छी तलू सब तो एलिमेंट जीरो रेहतु यहाँ अपर ट्रायंगुलर तल एलिमेंट तो जीरो ही रट एटी जो डायगोनल एलिमेंटा जीरो आसीगला तो आकी ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आम कहते स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर जदि धर लोअर ट्रायंगुलर केस रे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो सेटा कह स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जानवा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन ना मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहनी ए मैट्रिक्स जार कि एव्री एलिमेंट जीरो सबूत एलिमेंट जीरो होता कह नल मैट्रिक्स
आम जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहुपे ना तर सबुजाक एलिमेंट होती जीरो। देन पढ़ा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कौन से कहते दीटा मैट्रिक्स केत बड़े इक्वाल हे फास्ट देखा ऑर्डर इक्वाल होता दरकार दे आर ऑफ सेम डायमेंशन हो डायमेंशन मीन्स ऑर्डर सेम हो एंड तार करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम हो तार करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम हो। एग्जांपल गोटे देखा कौन ना देख मन कर फास्ट ए गोटे मैट्रिक्स अच्छी तार एलिमेंट्स अच्छे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट गोटे मैट्रिक्स बी नवा जो थोड़े कि एलिमेंट अच्छे एक्स वाई जेड 4 5 6। देख ये जदि से कह कि इफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी मीन दीटा मैट्रिक्स इक्वाल केते बेले हेबे जेते सर ऑर्डर इक्वल होइथिबो एटे देख ऑर्डर इक्वल अछि ना नै ऑर्डर इक्वल अछि एटा एटा गोटे केते 2x3 रा मैट्रिक्स एटा मधे गोटे 2x3 रा मैट्रिक्स दीटांकर ऑर्डर इक्वल अछि। देन देयर करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मधे इक्वल होइथिबो देख 4 5 6 ए पोजीशन तळा तीनटा पोजीशन रा एलिमेंट इक्वल अछि ऊपर जो तीनटा पोजीशन अछि तीनटा प्लेस रो एलिमेंट्स 1 2 3 एपटे अच्छे एक्स वाई जेड तेल जदि से कहला ए इक्वल टू बी तेल एक्स रैल्यू के आसो एक्स रैल्यू 1 y 2 जेड इक्वल टू 3 जदि एक्स रैल्यू 1 y रैल्यू 2 जेड रैल्यू 3 हुए देन ये मैट्रिक्सटा कौन हो ना ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बोथ आर इक्वाल हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।